सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। अग्रीय समाज संगठन भारत यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, अभी हमारा कोरिया सीरीज ख़त्म नहीं हुआ है। हम कोरिया ज़िले में हुए अग्रीय समाज सम्मेलन में जिन जिन कार्यकर्ताओं ने वहाँ अपने विचारों को समाज के प्रति रखा था, उनके विचारों को हम बारी बारी से आप सभी लोगों के बीच लाते जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज भी हम कुछ ऐसे ही दो हमारे बेहतर समाज सेवियों के विचार आप लोग के बीच आज रखने वाला हूं। जी हां साथियों, दो समाज सेवियों का अर्थ ये है कि एक महिला मेंबर हैं और एक पुरुष मेंबर हैं। उन दोनों के विचार आज की वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। दोनों समाज में और इस संगठन के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस संगठन के बेहतर कार्यकर्ता मैडम दीपा अगरिया और रघुनाथ अगरिया जी बलरामपुर ज़िले से अपना बेहतर सुझाव इस समाज को दिए हैं। हम बारी बारी से आपको इसी तरीके से कोरिया ज़िले के अगरिया समाज के महासम्मेलन में जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपने विचारों को रखा था, बारी बारी से हम उनके विचारों को आपके समक्ष लाते जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। सम्मानित साथियों, मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हम आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगती है, हमारे कार्यकर्ताओं के वक्तव्य समाज के प्रति अच्छे लगते हैं, तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए और अपने विचारों को, अपने सुझावों को आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दर्शाइए। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे आप सभी से यही अपेक्षा है। साथियों, मैं और भी कुछ बताना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगरिया समाज संगठन भारत के मोबाइल ऐप का लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा अगरिया समाज संगठन भारत के मोबाइल ऐप को। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके साथ ही कुटुंब ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके साथ ही अगरिया समाज संगठन भारत के दो वेबसाइट हैं, www.agariajanjati.in और www.agariasamajsanghatanbharat.xyz। तो सम्मानित साथियों, आप गूगल में इसको अवश्य सर्च करिए, उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो साथियों, एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे समाज सेवियों के विचार अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे को मेरे पति के माध्यम से यहाँ तक मैं पहुँची हूँ और घर में मतलब मेरे को इस बारे में बताए तो मतलब मेरे को पता चला कि मतलब दुख की तरह से बन रहा है। सभी कोई मतलब जान रहे हैं कि इस तरह से होता है, तो मैं भी बोली कि चलिए अगर आप जा रहे हैं तो मेरे को भी आप साथ मिले चलिए, तभी तो मेरे को ठीक लगेगा तो मैं सुनूंगी नहीं तो वापस आ जाऊँगी। तो बोली ठीक है। तो मेरे को आज यहाँ पर आके बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों की अच्छी मतलब शिक्षा के लिए मतलब अग्रसर जो कर रहे हैं माननीय मंच में आए हुए सभी आप, ज़्यादा तो मेरे को इतने अच्छे से मतलब स्पीच या बोलना या मतलब कहना चाहिए, कभी मतलब स्कूलों में थोड़ा बहुत बोलती थी पर उतना अच्छे से मतलब स्पीच किस तरह से देना है, क्या देना है, मेरे को उतना अच्छे से नहीं पता है। बस अपनी मन की बातों को आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी मतलब एजुकेशन दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 10वीं तक पढ़ ले या 12वीं तक पढ़ ले तो बहुत पढ़ाई कर लिया है, आगे नहीं पढ़ना है, कुछ अपना धंधा कुछ भी कर ले। जरूरी मतलब पढ़ाई भी इतना हुआ नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ इंसान को अपना कुछ ऐसा हो चीज कहना चाहिए, कुछ भी काम करना चाहिए। काम कहना चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और क्या बोलना चाहिए कि काम को इंसान को जैसे कोई भी काम कर रहा है छोटा या बड़ा तो होता नहीं है, वो मतलब
मतलब कहना चाहिए जिस हिसाब से इंसान करेगा, पढ़ाई भी अगर कर रहा है उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं भी है तो भी वो अपनी पढ़ाई के लिए स्वयं कुछ करके अपना पढ़ाई के लिए वो कहना चाहिए रोजगार के माध्यम से अपने लिए क्या कहना चाहिए राशि जमा कर सकता है और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। और क्या कहना चाहिए जो मेरा कहना चाहिए मेरा पर्सनल जो आदिवासियों में पीने खाने का ज़्यादा वो चीज़ होता है कि नहीं आज ऐसा त्यौहार है अरे चलो घड़िया बनाओ और चार दिन तक सिर्फ उसी में डूबे रहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि त्योहार है पियो लेकिन अपना आपा मत खो कि आज हम पिए हैं तो चार दिन तक उसी चीज को पीते रहे। तो कहने के अगर आप कहना चाहिए कि नशे से संबंधित अगर कुछ कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा का तो वो सब करो लेकिन सामने वाले को उससे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और अपनी क्या कहना चाहिए कि अपना त्योहार का त्योहार हो जाए और लोगों से जो आप कहना चाह रहे हैं और उससे सामने वाले को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी वाणी यहीं पर विराम देती हूँ। हेलो हेलो, आदरणीय उपस्थित और यहाँ माता बहनों और भाइयों बहनों एवं हमारे जितने प्रदेश के पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षगण सभी को मैं नमन एवं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित और सभी लोगों को मैं निवेदन करूँगा कि एकता में ही बल है और शक्ति है और हम आगे बढ़ सकते हैं और हम देश को या जिला या प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम सक्षम रहेंगे। और मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे जिला लेवल है या प्रदेश लेवल के पदाधिकारी का है वो जितना भी हो सके एकता पे रहें और एकता ही एक गठबंधन है जहाँ हम आगे बढ़ने के लिए और विकास करने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए हमें अवगत कराते रहें। और इस शिक्षा ही ऐसा प्रेरक है या बल या शक्ति है जिसे हम आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी एवं अति आवश्यक है। और जो अभी कहे जो अर्जुन जो सूरजपुर के उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने बहुत शिक्षा का महत्वपूर्ण रहा, उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा पर ही बल है तो मैं भी उनको समर्थन करता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहे। और यहाँ सभी मेरे माता बहनों और यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्यारे बच्चों जो हमें अपने संस्कृत एवं अपने स्वागत के लिए बहुत अच्छा भजन और गीत नंदन के द्वारा हमें अवगत और स्वागत किए, उन्हें बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ उपस्थित इतने देखकर हमें मन में बहुत उत्साह एवं गदगद भरा हुआ दिल बहुत खुश हो गया कि आज हमारे अगरिया समाज ने हमें दिखा दिया कि हम एक हैं और एक ही रहेंगे। और इसी के साथ मैं सभी लोगों को आग्रह करूंगा कि एकता बना के रहें और एकता से ही हमें अपने जीवन को सक्षम रखें ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे। और हमें ये उम्मीद है कि हम अगरिया समाज को पहचानेंगे। जय अगरिया समाज, जय लोहा, जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।